हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की। इस वीडियो में बताऊंगा कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज इनको मिलती हैं, क्या क्या इनका काम होता है जब लड़ाई होती है, बॉर्डर पर जब अटैक होता है तो इनका क्या मेन रोल होगा उस समय। और साथ में ये भी बताऊंगा कि पहले इनको साल में ओनली 2 महीने के लिए बुलाया जाता था और बाकी टाइम इनको घर भेज दिया जाता था। क्या आज भी ये सब चीज़ें होता है या नहीं होता, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके सारे डाउट और जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर जरूर कर दूंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर देना। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी 1920 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उस समय इसको 2 फेज में बनाया था, एक यूरोप के लिए और एक इंडिया के लिए, वो इतना जरूरी नहीं है। फिर बाद में 9 अक्टूबर 1949 को सी राजगोपालाचार्य द्वारा इसको बनाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस आर्मी का काम क्या है। दोस्तों, एक ऐसी सेना है जो कि हमारे डिफेंस में काम आती है इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है दोस्तों, ये इसका काम है। दोस्तों, जितनी भी रेजिमेंट है ना, उन सब की एक डीए बटालियन होती है जिसे हम एमरजेंसी बटालियन भी कहते हैं, ठीक है। एमरजेंसी मतलब एमरजेंसी में इनका यूज करना, बाई चांस कभी लड़ाई वगैरह होती है तो इनका यूज करना उस समय, ठीक है। वो भले ही अब जाट रेजिमेंट हो, महार रेजिमेंट हो, कोई भी इन्फेंट्री रेजिमेंट हो, ग्रेनेडियर, राजपूत, जो भी आपको पता है ना, उन सब की एक टीए बटालियन होती है, ठीक है, ये आपको पता पड़ गया। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जब बॉर्डर पर लड़ाई वगैरह होती है तो ये लड़ाई लड़ते या नहीं लड़ते, तो दोस्तों अगर बॉर्डर पर लड़ाई होती है, बॉर्डर पर लड़ाई कौन लड़ता है, जो हमारी रेगुलर आर्मी होती है, ठीक है, जो रेगुलर आर्मी होती है वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते। इनका मेन काम क्या रहता है उस समय, पता है, इनका मेन काम रहता है सेकेंड लाइन एक रहती है, मतलब सेकेंड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन हमारी रेगुलर आर्मी, सेकेंड लाइन टीए बटालियन, मतलब सेकेंड में खड़े रहना, मतलब हमारे जो भी अमुनिशन वगैरह हो, मेन मेन चीजें हो, उनको आगे पहुंचाना, ठीक है। और एक सेकेंड डिफेंस रहता है, वो इनका रहता है, बाय चांस अगर वहां से कुछ हो जाता है तो यहां पर ये संभाल सके, ठीक है। और एक और रहता है, अगर हमारे जो रेगुलर के जवान है, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर पूरे सोल्जर खत्म हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो ये उनकी जगह पे लड़ाई लड़ सकते हैं, ये भी इनका मेन काम होता है, ठीक है दोस्तों। 1962 में ऐसा हुआ था, ठीक है, हमारे जब जवान कम पड़ गए थे तो उस समय हमने टीए बटालियन का सहारा लिया था दोस्तों, ठीक है, ये इनका मेन काम रहता है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी साथ में ही होती है, कहने का मतलब है कि रेगुलर आर्मी का बंदा और टीए बटालियन का बंदा साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो जो रेगुलर वाला रहता है वो अपनी यूनिट पहुंच जाता है और जो टीए वाला रहता है वो अपनी यूनिट पहुंच जाता है, ठीक है। सब कुछ सेम होता है, ड्यूटी देने तक का भी स्टाइल सेम रहता है, सब कुछ, सारी कार्रवाई जो रेगुलर आर्मी की रहती है ना, इनकी भी रहती है, ठीक है दोस्तों, सब कुछ सेम होता है। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि इनको पूरे साल में 2 महीने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है, पहले ऐसा होता था, सही है, होता था, बट अब ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता, अब ये पूरे साल नौकरी करते हैं, ठीक है, ये 2004 या 2002 में बंद हो गया था, ठीक है, इनको घर भेज दिया जाता था, ऐसा अब नहीं होता, अब इमरजेंसी के लिए नहीं बुलाते, अब ये पूरे साल रहते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं और सैलरी वगैरह सब इनकी सेम है, ठीक है, रेगुलर आर्मी जैसी ही सब कुछ सेम है। तो अगर दोस्तों आप होना चाहते हो तो इस भर्ती में जरूर जाना, और टीए बटालियन भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ आर्मी जैसा ही रहता है, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम रहता है दोस्तों।